हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं मुरथल, पहली बार जा रहे हैं। चले लाइट जला दूं। चलो भाई चलो। इतना बन तेरा भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा हूं। इतना बन के आना था क्या? अरे आपको जाना। आपने कंपटीशन दे दिया। आ गए डिज गए। वो उनको देखेगा वो क्या आओ। सिनेमैटिक हो गए तो हेलो देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, चलो। नहीं से कार नहीं है। अरे कार में। कार में है। अरे पूरी ये है मम्मी। मैं रखा हूँ पूरा। यूज़ करा हुआ रख लगा। अरे नहीं। मैं क्या आपको यूज़ करने वाला बिल्कुल नहीं देंगे। टेंशन ना लो मम्मी। अरे ताजा देखो। ओ फो अब से। चलो चलो। चलो जय माता दी। आजकल के बच्चे यही लोग अपना लेके निकलते हैं। ये फंस गया सी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ भाई जगह दो हमें भी बैठने। इधर उधर यार, उधर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। उधर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलो एक बंदा को नहीं तो थोड़े आ गया। बस 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 बस। जय माता दी, जय माता दी। उधर मुझे लग ही रहा था विशेष बोर हो रहे हैं। बिल्कुल अकेला रह जाएगा। हाँ सो ना जाए। नहीं नहीं सो। हाँ आंटी बैठे। आंटी बैठी। अच्छा इसलिए भैया लोग गान नहीं सीख रहे, अब पता चला। जितने तेजस्वी लोग तो आपको रियलाइज हो गया कि इतनी इतनी सड़ियल बात करते हैं। क्या बात है, आपको कैसे रियलाइज हो कि भैया बूढ़े हो रहे हैं? मतलब बताइए यार इसको। बहुत सारी चीजें हैं। बताओ अरे भैया शादी के बाद ना सारे लड़के सीधे हो जाते हैं। जैसे मेरे पति देव हैं तो जितने भी शादी शुदा होने वाले लोग हैं ना उनसे कह दे रही हूँ इनसे टिक्स एंड ट्रिप्स ले लीजिए आके। तो ठीक चल रहा था हमारा फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। हो गया आपका नो टिप। अरे अभी आप बड़े हो जाओ उसके बाद बात करेंगे। मैं बच्चों को कुछ कहता नहीं हूँ। बुढ़ापा देख सकते हैं आप। भाभी का बाल विवाह करवा दिया गया है शायद भाभी के घर वालों ने। सही कि नहीं सही है? उस कार में क्या हुआ ना, एक तो सबसे पहले गाने नहीं बज रहे, दूसरी बार गाने बजाने की कोशिश करी तो बोला गया कि भजन चला दो। तो बस इसी चक्कर में मैं इधर शिफ्ट हो गया और अनुज भैया को फंसा दिया। अरे मैं आ नहीं रहा था लेकिन अनुज भैया कह रहे चले जा चले जा। अनुज भैया कह रहे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ये तो सच में चला गया। ये दुनिया हमारे लायक नहीं है, इस महफिल में हम नहीं फिट बैठ पाए। अरे वो देखो पहाड़ दीदी। अरे दिल्ली वाला
बच्चों के साथ एडजस्ट हो गया है माँ, माने कुल मिला के पानी बनो जिसमें मिला उसी में घुल जाओ, अपने रिश्तेदारों से लो करो भैया, अपने भाई बहनों से सबसे पूछ लो, फोटोज डालो हम दोनों की और पूछो कौन बड़ा लग रहा है, सभी ये कहेंगे अनिशा क्या है बेटा, वो तो कह रहे थे क्यों शादी कर रही है बेबी छोटी हो खेलना कूदने के लिए, अच्छा का मूड अच्छा खराब हो गया था नी, मेरी न्यू ईयर वाली पिक पे क्या कमेंट आया था, सच सच बताना झूठ बोला, हां सब ये कहते दोनों बहुत ऑसम, ओए मेरी अकेले वाली पे क्या आया था, तो भाई शादी होने के बाद ऐसा होता है, नहीं पता है हम नर्वस आ जाएंगे सगाई बोल जैसे खुश नसीबी हम मिले हमारे जैसा मिला वरना बेटा बेटा आप तो जितना मर्जी ब्रश कर लियो दांत दिखाने को लॉन्ग खाने वाली मिल जाती हो गया आपका, भाभी को बना लो अपनी मतलब अपनी टीम में ले लो ठीक है, तुम्हें बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बनना, तुम्हें सिर्फ वीडियो बनानी है अभी ठीक ठीक भाभी, इन ये कानपुर वाले हैं ना भाई, अगर तो भाभी के साथ हो गया चिकन मत खा ले बेटा, हम भाभी बना के देंगे, डोंट वरी डोंट टेक अ भाई, अब पूछ 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 भाई जैसा बना देंगे, पूछ ना पूछ तो पूछ, जब खा लेना तब बता देना, आज तक इतनी जगह का भैया अब क्या होगा, भैया कौन सी टीम में हो भैया, भाभी बता भैया, अगर ना बोले ना आप मैं खिलाना नहीं, बोलो भैया ये हम ये टॉपिक भूलेंगे नहीं भैया, ये भाभी यही है पराठा वराठा कितने का मिलता है, अरे नहीं नहीं वो सब छोड़ो टॉपिक, अरे वैसे दिल्ली में ठंड ज्यादा होगी, किसके जाए बेटा चिकन नहीं मिलेगा शाम को, बता रहा हूँ सही बता दे जल्दी बता, ये फैसले की घड़ी है अभिषेक, ना वो भाभी तू जो मर्जी बोलना, अगर अभिषेक तेरे साथ हो जाए सर्दी अनुज भैया की गाड़ी में रोक, फिर ये ब्लॉग कंटेंट नहीं मिलेगा ना, चाहिए हो गया आज का काम हो गया, यार रिप्लाई कर यार अभिषेक, यार ये हां वही तो नहीं है मतलब, अभिषेक मेरे साथ नहीं है पर नहीं भैया, भैया ये भाभी बता भाई, बता भाई तेरा भाई, और इसी वक्त से अभिषेक जो है वो मेरे भाई की इज्जत दांव में लगे अभिषेक भैया, भैया मैंने आपको साइड नहीं है लेकिन आओ भैया मेरे लिए धर्म संकट था एकदम, ये एक तो चिकन सबसे फेवरेट, ऊपर से ब्लॉग भी है, तो ये अभी मंदिर है, मंदिर से होकर फिर चलते मूड पर, पहनो भैया सेक्सी वाला चश्मा पहनो, आप पहनो, मैं ब्लैक वाला पहनूंगा, आप ब्लैक पहन लो, अच्छा अब जरा सा देख लो, हैं अब दोनों भाई लोग स्टंट मारते हुए, तो ठीक चल रहा था हमारा फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था, नहीं भाई भाई मैं उधर से कर, उधर से कर, अच्छा तो एक वो एक लाइन बोलनी थी, हां 1 2 लगा लगा जैसे हमारा 1 2 3 ये दिल्ली से भी हो गया आपका, अच्छा उस टाइम पे मैं सोचता था यार पैसे शायद मैं रखता नहीं हूँ, मैं भूल जाता हूँ, तू चुराती थी और क्या,
घर का भेजी लंका डाय सब। अच्छा चलो ठीक है, अब लोग ऑन करते हैं। मेरे सब लोग है ना अपनी अपनी राय बताएंगे कि मेरी और अमीषा की शादी में सबको कौन सा मूवमेंट सबसे अच्छा लगा, जो कि ऐसा मतलब ऐसा मूवमेंट कभी नहीं देखा या फिर ऐसा फील कभी नहीं आया। अच्छा। एक एक करके सब स्टार्टिंग विद रिया, स्टार्टिंग विद रिया। मेरा सबसे जो बहुत स्पेशल मूवमेंट था वो मेरा बारात वाला था, क्योंकि मेरा एक सपना था किसी की बारात में खुल के नाचने का, तो वो मेरा सपना एक पूरा हो गया और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना ज्यादा अच्छा लगा मैं बता नहीं सकता। अरे वाह तालियां, नेक्स्ट नेम, क्योंकि मैं अभी ना पूरा अपनी स्पीच पूरी कम्प्लीट करूंगी। देखो क्योंकि मुझे ऐसा था ना कि मुझे ऐसा मतलब माहौल मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की शादी में, बाकी किसी की शादी का मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी थी। तो बाकी भैया की जब शादी आई तो मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली। ओ भाई साहब मेरे गूजबम्स से हो गए भाई, ये क्या बात बोल दी यार तूने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हां मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कि हां पूरा फैमिली वाला फील है। बस बस दीदी आपका नेक्स्ट, आप बताओ दीदी। भाभी का देख लो, भाभी की तो पूरी शादी का देख लो यार। इसकी शादी बचपन से ही वो है की हाँ भाई शीलू भैया की शादी, बचपन से भैया क्योंकि मैं बड़ा बचपन का मतलब की बुढ़ा हूँ मैं, इसीलिए नहीं क्योंकि हमारे घर की पहली शादी है। हाँ, वो भी लड़की की पहली शादी वाला क्रेज वाला, तो वो तो पूरा ही पूरी शादी में ही था वो क्रेज। हाँ। तो पर बेस्ट मोमेंट मुझे लगा इनका स्टेज वाला, वो बहुत ज्यादा बढ़िया था, वो देख के भी मजा आता है भाई शीलू बड़ा हो गया है, भैया शादी हो रही है। मेरे को बेस्ट मोमेंट वो लगा जब भाभी भैया को बोल रही थी गाना गाओ मेरे लिए, और भैया ने जो गाना गाया था फिर आपको लिया था ना। नहीं भाई भाभी ने ऐसे हाथ छिटक दिया पहले गाना गाओ। तो हमारा तो वो था जैसे जब शादी का इतना क्रेज नहीं था जितना शादी से पहले जो हम लोगों ने एंजॉय करा ना चार पांच दिन। हाँ। मतलब मैंने इतना एंजॉय लाइफ में आज तक नहीं करा था ना, अपने दोस्तों के साथ ना किसी के साथ इतना एंजॉय नहीं करा था मैंने, वो था मेरे लिए बेस्ट। अच्छा ना ये भी अच्छा था, ये अच्छा डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट था। बोले की शादी का क्या हर किसी का अपना होता है ना कि हाँ शादी होनी शादी होनी, बचपन जब एज आती समझदारी की हाँ शादी होनी, पर हाँ सबसे बड़ी बात है कि अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर हमें मिला। भैया गुड, इतने सारे लड़के मना किए ना ये तक कहते थे हम पूल से कूद जाएंगे फिर शादी नहीं करेंगे, पर हाँ जब इनकी बात आई थी तो फोन पे ही बात करी थी तो इनके थे ना देखा भी नहीं था नाम भी नहीं पता था, पर हाँ वो सारी चीजें एक अलग हो गई। और जब इनसे बात करी हाँ भाई यही है, तभी हम चाह रहे थे कि इनकी फैमिली ना करे, हमें देखने के बाद पता चला कि लड़की नहीं अच्छी, तो ये था कि हाँ हमें हमारे पसंद का मिला सारी चीजें। चलो भैया अब आप तो चलो ठीक है फाइनली मजाक से हटके बताता हूँ। सबसे पहली बात कि थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए। अरे मतलब मैं डिजर्व नहीं करता था, इतनी अच्छी वाइफ मिली है मुझे। और सेकंड और देखो और उसके बाद मेरा तो है ही है ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब आउट ऑफ द वर्ड मैं बहुत खुश हूँ, कोई वर्ड नहीं है उसके लिए, मैं बयान नहीं कर सकता, मतलब वर्ड में नहीं पता बयान कर सकता, मैं बहुत खुश हूँ। और उससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मेरे घर वाले मेरी फैमिली मेरे पापा मम्मी मेरे भाई बहन बहुत खुश है, अमीषा से बहुत खुश है, इसका नेचर बहुत अच्छा है, सबके साथ सबके साथ ऐसे रहती है घर में जैसे कि वाइफ ना हो मतलब बेटी हो घर की। और पापा मेरे पापा को सब जल्दी से किसी का नेचर नहीं अच्छा लगता, बट भाई मेरे पापा ने तो पहले दिन से तारीफों के पुल बांध रखे हैं, उसका रीजन सिर्फ यह किया कि अमीषा खाना बहुत अच्छा बनाती है और मेरे पापा खाने में बहुत शौकीन है। और एक और मोमेंट भी अच्छा था जब हम लोग स्टेज पे फोटो खिंचवा रहे थे और भाभी ने जो भोजपुरी बोली थी वही भाभी ने दिल ले गए थे। आप नहीं थे, आप नहीं थे, हम पांचों थे, हम लोग फोटो खिंचवा रहे थे। क्या बोला था भाभी? अमीषा यार ये तूने क्या अब ये कमर तक बाल करके छोड़ेगा मेरे। नहीं नहीं ये चीज़ है, और जब गोल्डन कलर का चश्मा लगाया तो दिन जितने में दिखता हूँ भाई बहुत
बहुत अच्छे हीरो गोल्डन मतलब ब्राउन कलर का था गोल्डन कलर समथिंग अच्छा 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 बहुत ऑसम लग रहा है लोगों को पार्किंग नहीं मिल रही मैं तो गाड़ी की पार्किंग ये लो मेरे तो यार तो ये देखो हम तो आए पहली बार ठीक है जी अब यार इधर बहुत भीड़ है मैं तो पूरे खाली होता था भाई तुम रात में आई होगी ना हाँ मैं रात में आई थी मैं रात भाभी आप कब आए थे रात में हम नहीं दोपहर में क्या गरम धर्म नहीं आया था मैं तो आज पहली बार आया हूँ मेरे से पूछ रहा हूँ क्या एक्साइटमेंट है इतना थोड़ी ना कोई वो थोड़ी ना एडवेंचर पार्क थोड़ी ना नॉर्मल खाने का ही तो जगह है हेलो हम लोग पहुंच चुके हैं गरम ये तुम लोग ने कोऑर्डिनेशन किया था ना ब्लैक लाइट नहीं कुछ अरे बाय बाय की ट्यूनिंग में आज तो किया है वो वैसे ही हो जाती है बिना बताए तो आप लोग के पास ही एक ही कलर है ब्लैक की दुकान फटी जींस इतने अभी भी कपड़ा लगाया था हमने कुछ सिला है तो वही चेक करना था ना कि सिलाई बुनाई आती है कि नहीं तो चल रहे हैं पहले तो गरम धर्म जाके देखते हैं इसका वो क्या मतलब कह रहे हैं फोटो वोटो अच्छी आएगी तो पहले फोटो खिंचवाएंगे इधर फिर यहाँ सुबह जाके खाना खाएंगे उस डबल मस्का मार के दे बेटा अमूल बटर असली बटर हो गया आपका हो गया गाइस ये गरम धर्म अभी तो गरम धर्म पे है लेकिन इससे पहले हम क्या नाम है वहाँ हुआ है कहा पंडित जी बोल रहा हूँ सुखदेव वो है तो चलो बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय लाइक और सब्सक्राइब कर देना और भाई हेलो मैं अब ब्लॉग में हूँ चलो बाय बाय ये कह रहे मैंने यूट्यूब चैनल खरीद लिया